So where are you from? I'm from Thailand. Thailand, oh nice. Okay. So a little bit about yourself. Yeah, hi, my name is Peyton. I'm from America. I'm an exchange student. कुछ एक ऐसी कोई बता, कुछ दो लाइनें नए स्टूडेंट्स के लिए जो आ रहे हैं या कुछ बताना चाहो किसी के लिए? भाई अगर यहाँ पे आके सर्वाइव करना है देन यू नीड टू वर्क, वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क फॉर मनी एंड स्टडी एज वेल, एंड यू नीड टू कोप द टाइम लाइक व्हेन यू वांट टू स्टडी, व्हेन यू वांट टू वर्क एंड एवरीथिंग, यू कांट जस्ट कम ओवर एंड स्लीप. ओ हाँ जी भाई, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होगे. तो आ चुके हैं आज भाई यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में. वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस अर्बन सरदार, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होगे. तो भाई आज का व्लॉग था यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का, एक आपको टूर देना है. ठीक है, ये जो कैंपस है सिडनी में है तो बहुत बड़ा कैंपस है, तो इसका टूर देने के लिए मैंने आज किसी को बुला रखा है जो भाई इसमें स्टडी करते हैं, तो मिलवाता हूँ मैं उनसे आपको. ठीक है, जानते हो हम उनको अच्छा. नितेश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया. तो आज रेडी हो आप जी पूरा टूर देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर. तो एक बार यार बता दो आप मतलब किस फील्ड में हो? वैसे तो भाई ने देखो सिडनी स्कूल ऑफ मेडिसिन. जी जी, मेरा नाम नितेश और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में करंटली डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसे हम MD कहते हैं वो पढ़ रहा हूँ. ये यहाँ पे 4 साल का कोर्स है जिसमें अब मैं फिलहाल मैं सेकंड ईयर में हूँ. ओके, तो आज भाई हमें एक तो टूर देंगे पूरे पूरे कैंपस का तो नहीं दे पाएंगे, फिर भी काफ़ी कुछ बताएंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे इस कैंपस के बारे में और जो यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. तो सारा कुछ आपको बताएंगे. करते हैं शुरू व्लॉग, बहुत प्यारा होने वाला है, इसको मिस मत करना. ठीक है, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, साथ में और भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से और यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाएंगे आपको सारा कुछ. तो करते हैं फिर शुरू. सबसे पुरानी बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की, तो इसके बारे में पता करते हैं भाई से कि ये बिल्डिंग में यहाँ मतलब पढ़ाई भी होती है या बस ये फोटो वोटो खिंचवाने के लिए रखी हुई है, और जो कैंपस है वो कितनी दूर है और कितने किलोमीटर में यूनिवर्सिटी फैली हुई है, सब कुछ पूछते हैं और फिर बताते हैं. यार बिल्डिंग के बारे में बताओ थोड़ा सा. जी जी भाई, इस बिल्डिंग को क्वाड्रेंगल कहते हैं. इसमें ये कि जो ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं वो इस बिल्डिंग में होती हैं, बाकी अधिक के टूरिस्ट अट्रैक्शन से बनी हुई है सिडनी के लिए. अगर आप इसके अलग अलग कंपोनेंट्स देखोगे तो उस तरफ ग्रेजुएशन का है, फिर बाकी आपके जो बीच है उसमें एक अलग से म्यूजियम है जिसपे मेजर चीज़ डिस्प्ले की जाती है यूनिवर्सिटी सिडनी के जो अकम्पलिशमेंट्स हैं. फिर बाकी इसमें कोई लेक्चर थिएटर्स नहीं है मेन, बस छोटे छोटे कमरे हैं जो हायर प्रोफेशनल्स को या हायर इंडिविजुअल्स को एलोकेट किए हुए हैं. फाइनली मैं बता नहीं सकता आपको, खुश हूँ मैं. क्यों मैं भाई, फाइनली हमें दिल्ली से कोई मिला है भाई अपना जो बहुत ही यार खुश रहते हैं हमेशा और बताते हैं कि कैसे लाइफ जी सकते हैं, मतलब बहुत है. मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे, आप कहोगे यार सच में बंदा बड़ा मस्त है यार वो. तो सन्नी डॉन क्या हाल है भाई? सन्नी डॉन बढ़िया है, क्या आपके क्या हाल? बहुत बढ़िया. और बताओ यार क्या बताएं भाई, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है सन्नी में, क्या बता सकते हैं यार? भाई नंबर वन है भाई, हमें मिले थे लाइक कॉफ़ी शॉप पे. ठीक है, और भाई का नेचर बहुत अच्छा है, भाई को सारे फॉलो कर सकते हैं, भाई की इंस्टाग्राम आईडी ये रही. ठीक है, और भाई को 1.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए. हाँ, तो भाई ने काफ़ी कुछ सीखा. क्या सीखा, कितनी जॉब्स करी आज तक आपने अगर एक तरीके से देखा जाए तो? काउंट नहीं कर सकते ये मतलब पूरा ऑलमोस्ट 7 to 8 ना, स्ट्रगल थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बट इजी है जॉब्स, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है. अगर किसी कोई स्टूडेंट ऐसा आता है कि मुझे काम करना आई हैव टू डू समथिंग ऑन माई बेसिस, इट्स ईजी. बट कुछ लोग ऐसे आते हैं जब आई एम गोना स्पेंड माई फादर्स मनी एंड एवरीथिंग, दे कांट सर्वाइव. तो यार डैडी का भी तो पैसा खत्म हो जाएगा कभी.
बात तो सही है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हैं, लंच चल रहा है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा खा के फिर आपको और बाहर का दिखाते हैं और बताते हैं सब कुछ। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है यार, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ख़तरनाक है, बहुत प्यारी है। भाई ये कितने मतलब पुरानी बिल्डिंग है? या 1856 में कंस्ट्रक्टर है। तो भाई जो आपकी कैंपस है, मतलब जो आपकी बिल्डिंग है, वो किस तरफ पड़ती है और वो कितनी बड़ी है और कितना बड़ा ये कैंपस फैला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी? जी भाई, ये इसका मतलब एक सेंट्रल पॉइंट है। इसके अलावा बाकी अगर मतलब आप उस तरफ जाते हो तो वहाँ पे इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मेडिसिन की बिल्डिंग हुई, चाहे बिजनेस की बिल्डिंग हुई, फिर नैनो साइंस का अलग बिल्डिंग है, उसके अलावा बाकी इनकी जो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं वो अलग अलग तरीके में फैली हुई हैं। आपके पीछे मतलब एक कोटर की बिल्डिंग है, फिर एक चेन्नई बिल्डिंग है, वो फिशर है, फिर छोटी मोटी बिल्डिंग है, वो अलग अलग जगह हैं। तो भाई एक अगर एवरेज किसी कोर्स की जो फीस होती है यहाँ पर कितनी होगी? भाई वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन अगर लेके चलते हैं ग्रेजुएशन को यानी कि बैचलर को तो क्या हो सकता है। जी भाई, अगर आप बैचलर्स का कोर्स लोगे तो यहाँ पे भाई 35,000 to 40,000 में एवरेज है भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इज ऑफन कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज। सो अगर इसको कंपेयर करते हैं और पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी से तो इसकी रैंक भी आई थिंक टॉप 30 में तो आती है। जी भाई, डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में लेते हो। अगर आप मेडिसिन में कंपेयर करते हो, अच्छा, सारे सेक्टर्स में डिफरेंट है। जी भाई, अलग अलग सेक्टर्स की रैंकिंग होती है, जैसे आप अगर मेडिसिन में लेते हो तो करंटली ऑस्ट्रेलिया में रैंक नंबर 1 है। okay. और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वर्ल्ड वाइड नंबर 14 आती है। okay. फिर बाकी कुछ कुछ सेक्टर्स में है जिनमें इनकी मतलब टॉप 10 में भी रैंकिंग है, स्टूडेंट एवेलुएशंस या वो चाहे रिसर्च में। तो यार देखो, पूरी नॉलेज है भाई की, मैं आईडी भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई मेडिसिन मेडिकल कोर्स से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, भाई को फ्री कर सकता है, मतलब मैसेज कर सकता है, भाई आंसर दे देंगे, लेट देंगे पर आंसर दे देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से और फिर दिखाते हैं आपको। Can you just tell us a little bit about yourself? Yeah. Hi, my name is Peyton. I'm from America. I'm an exchange student at my home university. I study pre-medical psychology and I have a minor in sign language and I came here to study psychology in Auslan. Perfect. And how long are you here for? 6 months. Perfect. And if you compare it to between the two countries, what do you find the differences in? I would say that I like the teaching styles here better, but I think that you guys are a bit more rigid in how you grade and you guys don't really give feedback on how to better improve yourself. Definitely. I think that's the thing about Australia. A lot of the valuation differs from a lot of the other countries as well. And in terms of yourself, what are you thinking about the future after your current degree? Are you thinking about studying further or? Yeah, definitely. I want to get my specialty and I'm going to continue to study abroad in order to get a holistic view of medicine and to be able to treat my patients with the best ability possible. Thanks so much for your time today. Good luck and hope you enjoy Sydney. Bye. तो कुछ एक ऐसी कोई बता, कुछ दो लाइनें नए स्टूडेंट्स के लिए जो आ रहे हैं या कुछ बताना चाहो किसी के लिए? ना, सेम थिंग आई टेल माय ब्रदर, ही इज आल्सो कमिंग मे बी नेक्स्ट व्हाट यू से इनटेक। या भाई, अगर यहाँ पे आके सर्वाइव करना है देन यू नीड टू वर्क, वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क फॉर मनी एंड स्टडी एज वेल, एंड यू नीड टू कोप विद द टाइम, लाइक व्हेन यू वांट टू स्टडी, व्हेन यू वांट टू वर्क एंड एवरीथिंग, यू कांट जस्ट कम ओवर एंड स्लीप। दिस इज द मेन पॉइंट, because I have like so many friends in my university, they just want to come here and wo mereko bolte hai ki do shift ho gayi thi is week mein, teen shift ho gayi thi is week mein, lag gaya paanch shift ho gayi thi, rent nikal gaya tha ghar ka, band bahut hai,
इंजॉय भी करना है, बात तो इंजॉय भी करना है भाई, इंजॉय भी करना, एंजॉय करो तो भाई काम करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, मस्त पड़ा ऐसा नहीं एंजॉय कर रहे भाई, बस बता नहीं सकते। सो बहुत अच्छा लगा यार भाई से मिलके, लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं आया हूँ तो मुझे कोई दिल्ली से मिला, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि यार अपने उधर के मिले हैं तो बोलने का तरीका सबको सेम हो गया, और अच्छा लगा यार, वाइब मैच हो जाती है ना जिसको कहते हैं, वो हो चुका है। दिल्ली वाले दूर से पता चल जाते हैं, मैंने भाई से पूछा कहाँ से, दिल्ली से। सो अब दिखाते हैं आपको और कुछ बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और सारा घुमाते हैं। Hello, how are you? Hi, I'm good. So, what's your name? My name is Konkamon. So, this is your first day in university? It's my first time okay. in the camp ever, yeah. How do you find the like University of Sydney, and what course are you pursuing in this university? How do I find it? Yeah. I think it is a lot of diversity here. Okay. And I feel like if I study here, I will have a lot of opportunities. Okay. Yeah. So where are you from? From Thailand. Thailand. Oh, nice. Okay. So any excitement for this? Yeah, a lot of excitement and also anxiety because I'm moving to a new country. Okay. So that's a lot of things to learn and to see. Yeah. When you come here in Australia? Oh, I just arrived like 3 days ago. Oh, 3 days, that's cool. What course are you doing here? I'm going to study Master of English Studies. Oh, nice. So, why you choose Australia? Why not other countries like Canada and America? Why you choose Australia for study? I've been here before when I was younger and I like how people just... So, this is your second time? Yeah, second time in Australia but first time in Sydney. Okay, first time in Sydney. Mm-hmm. Oh. I think the weather too and just... Lifestyle. Oh, yeah. Okay. A lot of diversity, a lot of food. Yeah. That's cool. Thank you so much. Thank Have a you. Good day. 2,000 years later. Let's introduce yourself. Okay. Hi, I'm Rebecca. I'm currently doing a PhD in microbiology. Perfect. And with that PhD, how far are you in? I just started in January. You're excited? Yeah, I am actually. Yeah, perfect. It's really cool. And how you find the University of Sydney culture compared to other universities around here? I'm not too sure. I did my undergrad at UCID as well. Mm-hmm. And I haven't really gone to other universities for events and stuff, so I have no idea. Oh, perfect. Yeah. And if you could say one place about University of Sydney that someone should visit, what would it be? Let me think about that one. Sorry. Maybe the Quadrangle? Is that worth it? Yeah, I think if you're a tourist, it'd probably be cool to come see the old building. But I guess if you're like a young local, Manning Bar has some good events as well. Mm-hmm. Yeah. Nice, interesting. Perfect. Thanks so much for your time today. No worries. Thank you. नितेश भाई, 3-4 हमने ग्राउंड देख लिए हैं यार, थोड़ा सा बताओ जैसे यार इनके खेलने मिलने का क्या सिस्टम है? जी भाई, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की जो टीम्स हैं वो अधिकतर डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स हैं। जैसे जो पीछे देख रहे हैं भाई, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का फुटबॉल ग्राउंड है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के पास एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, रग्बी का भी है, और एक मतलब अलग अलग जगह पे इनके स्पोर्ट्स सेंटर भी हैं। चाहे वो छोटा स्पोर्ट्स सेंटर इधर हो या फिर रोड के उस पार हो, जहाँ पे मतलब अधिकतर एथलीट्स ट्रेन करते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो एथलीट्स खेलने वाले या प्लेयर्स हैं, जो इनके खुद के होते हैं या बाहर से भी आके खेल सकते हैं कुछ जो? जी भाई, जो अधिकतर यहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं भाई, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के खुद के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सही है यार, मतलब बाहर वालों को भी मौका मिलता है, पर ये कि जो अंदर के होते हैं मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाती है। जी भाई, तो भाई अब खाने पीने हम आ चुके हैं मॉल में ब्रॉडवे सिडनी के अंदर। ठीक है, बहुत घूम फिर लिए गली का स्टोर, ठीक है, और बहुत घूम फिर लिए, अब अपन आ गए हैं ब्रॉडवे सिडनी के अंदर। मॉल है बहुत अच्छा, भाई के पास पैसा बहुत है तो भाई बैंक में जमा कराने आए हैं वो। ठीक है, बहुत पैसा है, ये आ गया बैंक, तो पहले पैसा डालते हैं फिर खाते पीते हैं। भाई फुट लोकर से शूज़ ले लिए हमने, ठीक है, बहुत रुका नहीं गया और शूज़ ले लिए, बहुत अच्छा यार, मस्त है, बहुत प्यारा है मॉल ये। पसंद आया कुछ? देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैंने नहीं चला यार, बहुत सेक्सी रहेंगे यार, प्यारी रहेंगे बहुत। ले डालो भाई, अपना सीन आया है
ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸਿਟੀ ਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਪਰਮੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਿਟੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਔਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ।